नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के एक सुंदर से शहर देहरादून शहर से, और अभी वीडियो मैं बना रही हूँ 12:15 बजे से। और आज की वीडियो कुछ खास है, तो अभी कूड़े की गाड़ी जा रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है जो उसमें गाना और बोलते हैं, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। कॉलोनी में इस टाइम पे आई हुई है गाड़ी कूड़े की। और आज मैं आपको बता रही थी कि कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आपको बताया मैं वैसे ब्लॉग गार्डन का और जैसे अपना डेली वेयर ये दोनों बनाती हूँ, तो गार्डन का मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाया था। और आज आपको मैं एक ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊँगी कि जिससे आपको तो बेनिफिट होगा ही होगा, और जो प्लांट है वो ऐसी इजीली ग्रो हो जाता है बहुत कम लागत में। अगर एक बार आपको वो प्लांट मिल गया है, उसके बाद आप उस प्लांट को घर में बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, और वो भी उसके पत्तियों से। ये भी नहीं कि हम प्लांट की जड़ होगी तो उसी की वजह से हम प्लांट्स बना सकते हैं, तो वो उसको एक पत्ती को 3-4 जगह से काट के छोटे छोटे बना के तो उससे भी हम काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो वो ये रहा ये प्लांट, स्नेक प्लांट। तो आज की जो वीडियो है वो स्नेक प्लांट के बारे में है। और ये जो स्नेक प्लांट है ये पत्तियों से उगाया जाता है, और वैसे अगर जड़ भी हो तो तब भी ठीक है, लेकिन इसको ज़्यादातर लोग पत्तियों से उगाते हैं। एक पत्ती होगा तो उसी को कटिंग करके हम इसके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और स्नेक प्लांट के बारे में सबको पता ही है कि काफ़ी बेनिफिट है हमारे हेल्थ के लिए, और ये इंडोर आउटडोर प्लांट है, और इंडोर रख के इससे काफ़ी ऑक्सीजन मात्रा में हमारे घर के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, और जो बैड वो धूल मिट्टी ऐसे है तो उससे हम बचाव हो सकता है। और आज इसी का मैं पत्तियां निकालूंगी, क्योंकि ये काफ़ी सारा हो चुका है इसमें, और वैसे मेरे पास काफ़ी सारे स्नेक प्लांट हैं और इसमें भी पूरा ये भर चुका है। जितना इसको निकालेंगे ये दोबारा से भर जाएगा, तो इसमें से कुछ मैं पत्तियां निकाल दूंगी और उसकी आज मैं कटिंग करके ग्रो बैग में या छोटे गमले में लगा दूंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। और ये कुछ मेरे बेबी प्लांट है, ये भी जो मैंने पत्तियों से लगाया था, तो ये अब ऐसे बन चुका है, इसमें जड़ आ चुके हैं। और ये सिर्फ पत्तियों से लगाए थे, अपनी फ्रेंड के यहाँ से लाई थी। और स्नेक प्लांट की भी 2-3 वैरायटी होती है, और मेरे पास हैं एक तो बिल्कुल ही ग्रीन होता है, और एक ऐसा होता है अंदर से ग्रीन होता है और बाहर की जो लेयर होती है उसकी येल्लो होती है इसमें, तो ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। मैंने इसमें से निकाला था, ये मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लाई थी, वो भी 1-2 पत्तियाँ लाई थी, तो इसको लगभग 1 साल हो चुका है। तो 1 साल में मैंने इसमें से काफ़ी सारे निकाल दिए, 2-3 गमले बना चुकी हूँ, और अभी 2 और निकल चुके थे, ये तो इसको निकाल दिया। और वैसे तो मैं इसमें ये पत्तियाँ भी निकाल सकती, इससे भी बना सकती हूँ, तो इसमें से भी कुछ पत्तियाँ निकाल दूँगी जो एक्स्ट्रा नीचे झुके हैं, तो वो पत्तियाँ मैं इसमें से निकाल लूँगी। एक प्लांट को छोटे से बर्तन में भी लगा सकते, गमले में या कप है आपके पास, कप में भी लगा सकते। ये मेरे पास एक मग्गा था और इसमें लगा दिया मैंने स्नेक प्लांट, और इसको भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है इसमें भी। और ये एक कप है, छोटा सा कप है, इसमें भी मैंने स्नेक प्लांट लगा रखा है, तो काफ़ी सुंदर लगता है, चाहे छोटा कंटेनर हो या गमला हो या कप हो, सारे में लगा सकते हैं इसको, तो इसकी शेप उतनी होती है जितना हमारा गमला हो या कप हो, उसी हिसाब से ये ग्रो करता है। पास 2 गमले हैं छोटे से, और ये मेरे काफ़ी पहले ले चुके, 5-6 महीने हो चुके थे, तो ये मैं अंदर रखा था इसको, तो इसमें मैं स्नेक प्लांट लगाऊंगी और नीचे से होल करूंगी, पहले किसी चीज़ को नुकीली चीज़ को गर्म करके इसको होल करूंगी। और अभी थोड़ा कोकोपीट है तो उसको थोड़ा भिगाने रख देती हूँ कोकोपीट को, तो थोड़ा मिट्टी, थोड़ा कोकोपीट और गोबर की खाद भी है, तो सारे मिक्सर करके इसमें भर के प्लांट लगा दूंगी। और गमले हैं बाहर गार्डन में है, तो उनको भी खाली करके फिर दोबारा से नई मिट्टी भर के उनमें भी ये स्नेक प्लांट लगा दूंगी। तो ये सारे छोटे से गमले हैं मेरे, तो इनमें अभी मैं छेद करूंगी गरम करके,
इस चाकू को गर्म करूँगी, फिर इनके नीचे छेद कर दूँगी। और ये कुछ मेरे पास जो खाना आता है तो उसके डिब्बे हैं, ये तो इनमें भी लगाऊंगी, बाद में तो गमलों में शिफ्ट कर लूँगी। अभी ग्रो करने के लिए इनमें लगाऊंगी। और एक ये डिब्बा था ड्राई फ्रूट्स का, तो इसमें भी लगा रही हूँ। तो ये सारे छेद करने हैं इन सारों में, गमलों में होल हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने जो ये प्लांट है ये तो पूरे ही लगा लूँगी मैं, क्योंकि ये जड़ से ही हैं। और ये पत्तियाँ देखिए, ये मैंने पूरी पत्तियाँ थी तो ये कट करके लगा दी, और इनमें हल्दी लगा दी। और इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और हल्दी से एंटी फंगल जो होता है प्लांटों को जो हम लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ही वो ख़राब हो जाते हैं। तो हल्दी से हमारा प्लांट बिल्कुल ही हेल्दी रहेंगे। तो प्लांटों की कटिंग जैसे हम लगाते हैं तो उसमें हल्दी लगाना चाहिए। तो ये हमारे प्लांटों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, और जो फंगल है वो नहीं लगता है प्लांटों पे जल्दी से। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे ये सॉइल ले आई हूँ, और इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद है, गाय का गोबर। और ये कोकोपीट है, ये धो दिया है, इसको थोड़ा सा सुखाने के लिए रख दिया है, तो सूख जाएगा। इसको भी 10 मिनट के बाद मैं फिर मिट्टी के साथ मिक्स कर लूँगी, और फिर गमलों में भर के प्लांट लगा दूँगी जिनमें हल्दी लगा रखी हैं, जो पत्तियों से ग्रो होगा पूरा स्नेक प्लांट। और बहुत सारे प्लांट बनेंगे घर में, तो हम एक छोटी सी नर्सरी इन्हीं स्नेक प्लांटों से शुरू कर सकते हैं। और बिगनर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये प्लांट ईजिली ग्रो हो जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और घर की सुंदरता भी बहुत बढ़ती है इससे, बहुत ही सुंदर लगते हैं। घर के अंदर रखें या बाहर रखें। मैंने इसमें स्नेक प्लांट लगा दिए जो पत्तों से लगाते हैं, तो ये सारे 4-5 कंटेनर में लगा दिया है, जो वेस्टेज खाने के बर्तन पड़े हुए थे। मेरे ये स्नेक प्लांट बाहर में थे, तो ये मैंने ये प्लांट स्टैंड बना रखा है, तो इसको मैं अंदर ले आई हूँ। और जो ये स्नेक प्लांट है मैं इनको अंदर ले आई हूँ। तो ये है मेरे स्नेक प्लांट के कलेक्शन, और भी है बाहर छोटे बड़े गमलों में, जैसे मिट्टी के गमलों में, तो इसमें इतने ही गमले आएंगे, 6 गमले, तो वो मैंने यहाँ लगा दिया रूम में। और ये साइड में लिली है, लिली का प्लांट, इसमें वाइट लिली खिली हुई है आजकल। तो लिली भी इंडोर प्लांट आउटडोर दोनों है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और स्नेक प्लांट को भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये डार्क एरिया में भी हो जाता है। ये है मेरे पूरे स्नेक प्लांट जो मैंने आज अभी पत्तों से ग्रो किया है। इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और जो वीडियो पे नए हैं चैनल पे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।